अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.4, दैट इज पावर। पावर या पावरफुल होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। पावरफुल हम समझते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हो वो बहुत पावरफुल है। ये एक और टर्म है, ये एक आप इसे साइकोलॉजिकल टर्म कह सकते हैं कि आपको बज़ाहिर नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रखता है, लेकिन पावर को एक्चुअल में फिजिक्स में ये डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउ फास्ट और हाउ स्लोली अ मशीन कैन परफॉर्म वर्क और अ पर्सन कैन डू अ वर्क। पावर एज एन एवरेज इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इसको इन शॉर्ट मैथमेटिकली लिखा जा सकता है, पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम। यहीं से इसके अगर हम वर्क यूनिट्स डिफाइन करें तो वर्क का यूनिट है जाउल और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो पावर इज डिफाइंड एज वॉट। तो वॉट इज इक्वल टू जाउल पर सेकंड। अब एक एग्जांपल से इसको थोड़ा और इलस्ट्रेट करते हैं कि लेट्स से आपके पास सीढ़ियां हैं, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। अब चूंकि दोनों को सेम हाइट पर जाना है तो दोनों का जो वर्क होगा वो ऑब्वियसली एम जी एच होगा। अब एक पर्सन, ये पर्सन ए जो है वो ये सीढ़ियां चढ़ता है 3 सेकेंड्स में, और जो पर्सन बी है वो एम जी एच ये सीढ़ियां चढ़ता है 9 सेकेंड में। अब अगर हम पावर की डेफिनेशंस पर अप्लाई करें इस पर, तो टाइम कम है, ये टाइम कम यूज़ किया है उसने इतना काम करने के लिए, तो इट हैज़ अ ग्रेटर पावर, और इसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया है टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो इट हैज़ अ स्मॉलर पावर। तो वर्क की क्वांटिटी सेम है मगर वर्क किस रेट पर हुआ है, कितना स्लोली और कितना क्विकली हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज पावर। फिर इसी तरह हम एक डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इसे आप यूं याद रखें कि पावर इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इसको लिखा जाता है P instantaneous equals to limit del T approaches zero del W over del T। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट MCQ कॉन्सेप्ट है कि अगर एवरेज पावर इक्वल हो इंस्टेंटेनियस पावर के, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक जाउल वर्क हुआ है 1 सेकेंड में या फिर 60 जाउल वर्क हुआ है 60 सेकेंड्स में, ये है एक छोटे से इंटरवल का टाइम और वर्क, ये है एक काफ़ी प्रोलॉन्ग पीरियड का टाइम और वर्क। लेकिन अगर हम दोनों की रेशियो फाइंड करें, 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड 1 वॉट, 60 जाउल ओवर 60 सेकेंड आल्सो 1 वॉट, तो पी एवरेज इक्वल्स टू पी इंस्टेंटेनियस, देन द पावर डिलीवर्ड बाय द मशीन विल बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म। सेकेंडली, अगर पी एवरेज इज नॉट इक्वल टू पी इंस्टेंटेनियस, देन वी विल कंसिडर इट नॉन यूनिफॉर्म। तो ये एक रिलेशन आपने जहन में रखना है। फिर इसी तरह बुक में रिलेशन है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, एक डॉट प्रोडक्ट की तरह आप इसको कैसे डिफाइन करना। तो हम इक्वेशन जो है वो पिक करते हैं, जो पावर हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो वर्क ओवर टाइम। P इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस जीरो, अब वर्क कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी ओवर डेल टी। इस इक्वेशन में से आप फोर्स को करें साइड पर, ठीक है, और लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डी ओवर डेल टी, ये हमारे पास
फार्मूला बन रहा है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम फॉर द वेरी शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो पावर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो पावर इज रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. तो ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखते हैं, पावर वर्क ओवर टाइम भी है, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है. सिमिलरली अब आगे हम इसका कुछ थोड़ा और यूनिट एनालिसिस करते हैं कि फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो हो गया. अभी हमने देखा कि वॉट इज इक्वल टू जाउल ओवर सेकेंड. यहां से जाउल्स विल बी इक्वल टू वॉट सेकेंड. ठीक है, सो वी आर ऑब्जर्विंग वन थिंग दैट एनर्जी और एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय एनी यूनिट ऑफ टाइम. अब हम बआसानी ये समझ सकते हैं कि देखें हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस यूज होती हैं, दे ऑल कम अप विद द पावर. फॉर एग्जांपल एक एनर्जी सेवर है तो 18 वॉट उसकी पावर है. अगर एक फ्रिज है तो तकरीबन 700 वॉट उसकी पावर है. अगर आयरन इस्त्री है तो तकरीबन 1000 वॉट उसकी पावर है. एयर कंडीशनर है तो 2500 वॉट उसकी पावर है. अब फिर देखें एक एनर्जी सेवर है यानी उसकी पावर है, आप उसे कितनी देर चलाते हैं, कितने मिनट्स कितने आवर्स चलाते हैं, तो उसकी पावर और जितने टाइम के लिए आपने उसका स्विच ऑन किया है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एनर्जी कंजम्पशन. अब वॉट सेकेंड एक बहुत स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है. हमें चूंकि डिवाइसेस ज़्यादा देर के लिए ऑन करनी होती, लिहाजा हम एक और यूनिट डिफाइन करते हैं एनर्जी का, और वो यूनिट हम डिफाइन करते हैं 1 किलो वॉट. और फिर देखें किलो वॉट यूनिट ऑफ पावर है और यूनिट ऑफ टाइम. अब देखते हैं कि किलो वॉट और कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है. किलो वॉट मीन्स 10^3 वॉट और 3600 सेकेंड्स, तो ये आपके पास 3.6 × 10^6 वॉट सेकेंड. वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड इक्वल्स जाउल्स. तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा और वॉट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जाउल्स. बोर्ड में एक MCQ आया हुआ है कि 10 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होता है, तो सिंपली आप 10 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 36 मेगा जाउल्स एनर्जी कंजम्पशन है. और सिंपली स्पीकिंग के जब भी ये एनर्जी कंज्यूम होती है तो इसी एनर्जी की कंजम्पशन पर जो मीटर्स हैं वो यूनिट्स कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको बिल आता है. सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय एनी यूनिट ऑफ टाइम. तो इसमें याद रखें कि किलो वॉट और ये भी पावर का यूनिट है. इवन आपसे कह दिया जाए वॉट मिनट तो ये भी पावर का यूनिट है. वॉट वीक, ठीक है, ये भी पावर का यूनिट है. सिंपली याद रखें पावर मल्टीप्लाई बाय एनी यूनिट ऑफ टाइम. सिमिलरली ब्रिटिश सिस्टम में पावर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है हॉर्स पावर, 1 HP. इट इज अ स्टैंडर्ड 746 वॉट. सेम इसी तरह 1 horsepower ब्रिटिश यूनिट में 1 HP 550 foot pound per second. ये जो फुट पाउंड है ये है यूनिट ऑफ वर्क और सेकेंड आपके सामने क्लियर, इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि जैसे पावर है वर्क ओवर टाइम, तो पावर कैन बी रिटन एज एनर्जी ओवर टाइम. हमने वक्त के साथ साथ देखें जो तरक्की की है वो एक्चुअल में हमने अपनी पावर ही तो जो है अटेन की. जैसे पानी भरना, इंसान जब से है तब से उसे ज़रूरत है पानी की और वो मुख्तलिफ ज़राए से पानी हासिल करता है. मतलब कहीं किसी कुएं से पानी निकालना है, ठीक है, कहीं ज़मीन से किसी नलके से पानी निकालना है. तो अगर हम पूरा इंसानी तारीख को रिव्यू करें तो मेन काम था पानी भरना.
अब आजकल के दौर में ये है कि जस्ट आप एक बटन प्रेस करते हैं और ग्राउंड से जो पानी है वो टैंक्स में भरना शुरू हो जाता है। इट मींस के यही पानी भरने की जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर ली है। इसका मतलब है कि जो इंसानी टेक्नोलॉजी है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही। तो ये एक बेसिक आइडिया है पावर का कि पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता रहा हूँ जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। पावर इज इक्वल टू MgH कि अगर आप किसी हाइट पर लेकर जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वर्क विल बी MgH डिवाइडेड बाय टाइम। फिर इसी तरह पावर मास जो है इसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। बाकी GH साथ वैसे ही आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाला फार्मूला भी आपको एक न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये फार्मूला भी एक न्यूमेरिकल में काम आएगा, और पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी ये कैलकुलेशन भी आपको न्यूमेरिकल में काम आ सकती है। तो यहाँ पर अब मैं चीज़ों को समराइज कर दूँ कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका यूनिट है वॉट विच इज इक्वल टू जाउल पर सेकेंड। सिमिलरली इसमें जो आप किलो वॉट और है 3.6 मेगा जाउल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है और लाजमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे MCQ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर ये समरी के पॉइंट्स हैं कि हॉर्स पावर 746 वाट्स है और 550 फुट पाउंड पर सेकंड है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।